गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे आईसीटी इनडायरेक्ट होम टेस्ट या एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये टेस्ट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी बेसिक जानकारी देता हूँ। यह टेस्ट जो है क्यों करते हैं, तो यह टेस्ट जो है पेशेंट के सीरम में RH एंटीबॉडी या अदर एंटीबॉडी डेवलप हुई है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। आइए तो अपन चलते हैं उसके प्रैक्टिकल प्रोसीजर की ओर, जो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से करते हैं। तो आज का अपना प्रैक्टिकल जो है प्रोसीजर ICT इनडायरेक्ट कुम टेस्ट है, तो अपन उसका प्रोसीजर देखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो ये जो है तीन टेस्ट ट्यूब को अपन लेवल करते हैं। फर्स्ट जो है पॉजिटिव कंट्रोल, इस तरीके से पॉजिटिव कंट्रोल, ये जो है नेगेटिव कंट्रोल, और ये जो है टेस्ट। प्रॉपरली लेवल करने के बाद अपन इसमें 100 माइक्रोलीटर का ये पीपेट रहता है, इस तरीके से अपन ने सेट किया। अब ये जो तीन टेस्ट ट्यूब है, फर्स्ट जो है टेस्ट वाले इधर मैं रख ले रहा हूँ जिससे अपनी भूल ना हो, जो है पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल। तो इसमें 100 माइक्रोलीटर फर्स्ट वाली जो है टेस्ट, इसमें अपन इसमें सीरम की ज़रूरत पड़ेगी पेशेंट के सीरम की। तो ये जो है मेरे पास प्लेन बाइल बाइल आई है, इससे मैं 100 माइक्रोलीटर मेजर करके टेस्ट वाली ट्यूब में डालूँगा। तो इस तरीके से मैंने 100 माइक्रोलीटर इसमें सीरम ट्रांसफ़र किया टेस्ट वाली ट्यूब में, और अपने नेगेटिव कंट्रोल में जो है NS नॉर्मल सलाइन 100 माइक्रोलीटर ट्रांसफ़र किया। इस तरीके से नेगेटिव कंट्रोल में 100 माइक्रोलीटर NS और पॉजिटिव कंट्रोल में NTD, ये जो मेरे पास है NTD। ये 100 माइक्रोलीटर NTD पॉजिटिव कंट्रोल में डालूंगा। इस तरीके से अपन ने 100 माइक्रोलीटर ट्रांसफ़र करने के बाद अपने पास जो है ओ पॉजिटिव, मतलब तीन ओ ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का अपन ने 5% सेल सस्पेंशन प्रिपेयर किया है। तो ये जो प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको तीन विभिन्न प्रकार के अपन ब्लड ग्रुप सैंपल ले लेते हैं। उसके बाद अपन को मैस तीन बार सेल सस्पेंशन बनाने के लिए अपन इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे NS डाल के 3 टर्म सेल वॉश। तो इस तरीके से ये कंप्लीट है, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है पहले से। तो इसको अच्छे से प्रॉपरली मिक्स किया, इस तरीके से ये मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद इसको अपन तीनों टेस्ट ट्यूब में 100 माइक्रोलीटर अपन इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से ये ट्रांसफ़र किया 100, सेकेंड 100 एंड थर्ड 100। इस तरीके से ट्रांसफ़र करने के बाद तरीके से अपन ने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अपन इसको 1 आवर्स के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए अपन इसको इंक्यूबेट करेंगे। इनमें कॉटन प्लग लगाने के बाद इनको अच्छे तरीके से इंक्यूबेस करेंगे। तो ये जो है अपनी इंक्यूबेशन मशीन इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरीके से इसको खोला और अपन 1 घंटे के लिए इसको इंक्यूबेट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है 1 आवर्स के लिए इंक्यूबेशन होने के लिए। एक ही अच्छे से कवर, टेस्ट को 1 आवर कंप्लीट होने के बाद अपन इसको निकालेंगे। तो ये इस तरीके से अपन 1 घंटे होने के बाद इसको अपन निकाल लेंगे। इंक्यूबेशन कंप्लीट होने के बाद अपन इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 2 मिनट के लिए 1500 RPM पर। चलो अपन इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये जो है अपना सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसको अपन क्या करेंगे, तीनों टेस्ट ट्यूब को उठाकर प्रॉपरली, ये जो है इसके ब्लॉक बने हुए हैं, इस तरीके से अपन प्रॉपरली लेवल भी होना चाहिए ये, क्योंकि अगर लेवल नहीं रहेगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी और सैंपल जो है अपनी ट्यूब जो रखी है वो फोड़ देगी। तो इसलिए अपन ने इसको अच्छे से लेवल कर दिया और इसको अच्छे से कवर कर दिया। और ये जो है अपना टाइमर है, टाइमर बटन से 2 मिनट के लिए अपन इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये जो है इसका RPM सेट करने का, तो ये 1500 RPM पर सेट किया। ये मोटर है, तो ये ब्रेक बटन है, तो ये इस तरीके से इसका सेंट्रीफ्यूज उनका टाइम स्टार्ट हो गया है। और ये जो है इसका RPM दिखा रहा है,
और ये जो है उसको मिनट बता रहा है। तो ये 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज होगा, उसके बाद ये प्रोसेस देखेंगे। इस तरीके से अपने हुए 2 मिनट कंप्लीट। तो अपन ये जो है ब्रेक ब्रेक बटन को ऑफ करेंगे और मोटर जो है उसको बंद करेंगे। ये इसका लॉक है, इसको प्रेस किया और ये इसका जो है कवर है, इसको अच्छे से खोल लिया। तो ये जो है निकाल लिया और ये फोर्सेप्स की हेल्प से अपन इसको इस तरीके से रैक में रख लेंगे केयरफुली। देखो इस तरीके से ये जो है मैंने रख लिया। एक और जो है अपना लास्ट ये, ये जो है मैंने रख लिया है। 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद अपन इसमें एग्लूटिनेशन चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है आपको इसमें नीचे एक रेड बॉल टाइप की दिख रही है, जो है एग्लूटिनेशन को शो कर रही है। इस तरीके से तीनों टेस्ट ट्यूब में आ गई है। तो अपन इसका क्या करेंगे, एग्लूटिनेशन जो है आ गई है, इसको कंफर्म करने के लिए अपने पास जो है एंटीसीरा ए एच जी ये जो है AHG है, ग्रीन कलर का रहता है। इसमें अपन 1-2 ड्रॉप अपन तीनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और 15 मिनट के लिए 1500 RPM पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फिर अपन इसको एग्लूटिनेशन चेक करेंगे इस तरीके से। 1 ड्रॉप ये, 1, 2, 1 and 2 ड्रॉप इस तरीके से अपन ने AHG ऐड किया। फिर इसको अपन कॉटन प्लग से कवर कर दिया और फिर अपन इसको 1500 RPM पर 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फिर एग्लूटिनेशन चेक करेंगे। ये जो अपन ने 1500 RPM पर सेट करेंगे 15 मिनट के लिए, तो इस तरीके से सेट किया। इस तरीके सेंट्रीफ्यूज कंप्लीट होने के बाद इसमें अपन एग्लूटिनेशन चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये जो है नीचे आपको शो हो रही होगी रेड कलर की बॉल। तो ये जो है अपना टेस्ट एग्लूटिनेशन है, मतलब टेस्ट सही है। अब अपन बात करेंगे उसके रिजल्ट की। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, ये दो चीज़ रहती है। तो अपन ने जो है 3 टेस्ट ट्यूब ली थी, पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल और टेस्ट वाली। तो सबसे पहले जो है पॉजिटिव कंट्रोल वाली है, तो उसमें एग्लूटिनेशन आता है। तो उसका कंक्लूजन क्या रहता है, करेक्टली परफॉर्म टेस्ट प्रोसीजर, मतलब अपन ने टेस्ट सही किया है, नो एग्लूटिनेशन। अगर उसमें एग्लूटिनेशन नहीं आ रहा है तो ये टेस्ट अपन गलत है और इसको फिर से रिपीट करेंगे। नेगेटिव कंट्रोल का कंक्लूजन क्या निकलेगा, यह कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि सीरम में NTD या किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती। अब आते हैं टेस्ट वाली ट्यूब में, एग्लूटिनेशन है तो उसको जो अपनी पॉजिटिव कंट्रोल से कंपेयर करेंगे, पेशेंट के सीरम में NTD प्रेजेंट है, टेस्ट सही है और नो एग्लूटिनेशन। तो इसका कंक्लूजन जो है पेशेंट सीरम में NTD नहीं है, तो ये इसका टेस्ट है। इस तरीके से अपन टेस्ट को जो है पॉजिटिव देंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए मेडिकल मतलब लेबोरेटरी से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा।